उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद हैं। हर रोज कहीं न कहीं चोरी की खबरें सुनने को मिल रही हैं। मथुरा जिले में भी एक चोरी की वारदात सामने आई है। यहां चोरी की इस घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। दरअसल एसएसपी आवास पर खड़ी एक कार के पास चोर आया और उसका शीशा तोड़कर गाड़ी में रखी अटैची में लाखों रुपए को चुराकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हरियाणा के बिल्डर एसएसपी के साथ मीटिंग करने आए थे, जिसके बाद बिल्डर के ड्राइवर ने चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी है। मेरा नाम भीम सिंह है। आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? एसएसपी साहब के साथ एसएसपी साहब के साथ मीटिंग थी जी साहब के। क्या नाम है आपके साहब का? दीपक गुप्ता जी। कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद के जी। कब आए थे, कितने बजे आए? 10:15 बजे हम आए थे जी यहाँ पे। क्या कुछ घटना घटित हुई आज? हमने गाड़ी लगाई जी यहाँ पे, साहब मीटिंग के लिए अंदर गए इसमें, और मैं पंचर लगवाने गया था जी गाड़ी में, और पीछे से किसी ने आके कांच तोड़ के हमारा सूटकेस निकाल लिया। सूटकेस में कुछ साहब का जरूरी सामान था जी। तो अब कहाँ है आपके साहब? साहब अभी मीटिंग में है जी। तो अब क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई देखो जी, अभी मैंने बताया है, अंदर कैमरे वगैरह सारे चेक हो रहे हैं, अभी पता चलेगा जी। अच्छा, आप ड्राइवर हैं इनकी? हाँ जी, मैं ड्राइवर। क्या नाम है? मेरा नाम भीम सिंह है जी। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं साहब के साथ में ही रहता हूँ 24 घंटे। क्या करते हैं आपके साहब? साहब बिल्डर हैं जी। तो क्या बिल्डर हैं तो कहाँ पे हैं? अभी यही एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जी रुक्मणी विहार में। उसकी आज यहाँ पे इनको शिकायत देनी थी, समय मिलने का था, तो सुबह इसीलिए फरीदाबाद से भागे आ रहे थे, और आने के बाद जब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी तो ये पीछे इन्हें, ये जो यहाँ पे टटलुओं का ये गैंग है, उन्होंने यहाँ पे शीशा तोड़ के, और ये बैग से लेबर के लिए 4 लाख रुपए लेके आए थे, लेबर और स्टाफ की पेमेंट करनी थी, और ये निकाल के और डकैती करके चले गए। और ये इनके एसएसपी साहब के बाहर जो संतरी ये खड़े हैं, इनको भी मैं बोल के गया था गाड़ी आपके यहाँ सामने गेट पर खड़ी है, आप ध्यान रखना, और ड्राइवर अभी पंचर लगवाने के लिए गया है। उसके होने के बाद भी ये घटना हो रही है, तो बड़े आश्चर्य की यहाँ पे बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है जी। कौन कब्जा कर रहा है, क्या मामला है? वहाँ पे जो है दबंगे कुछ गुंडे हैं, वहाँ पे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कोई जीतू ठाकुर वगैरह और 5-6 लोग हैं वहाँ पे, बेलेरो वगैरह गाड़ी खड़ी करके मेरी लेबर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, और वहाँ पे लेबर है सारी SC ST की लगी हुई है, उनको जाति सूचक शब्द दे रहे हैं, और 6 तारीख से मामला है और 12 तारीख होगी। सारे थानों में घुमाए और सब जगह जाए, और कहीं कोई मतलब कि हल नहीं हो रहा किसी भी तरह का। तो आप SP साहब से दरखास्त करके आए, तब उन्होंने कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया है। वहीं SP अरविंद कुमार ने बताया कि चोरों ने बिल्डर की गाड़ी का शीशा तोड़कर 4 लाख रुपए से भरी अटैची लेकर फरार हो गए। इस मामले में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और जो है साइड का शीशा तोड़कर का बैग लेकर चले गए हैं। पुलिस ने तत्काल जो सूचना मिली थी, चेकिंग कराई थी, तो वो बैग जो है दूसरे हाईवे क्षेत्र में हमें मिल गया है, जिसमें टीमें लग गई है, जल्दी ही मुलजिम इसमें गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही चोरी करने वालों को पकड़ा जाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।